गुरुवार रात्रि से दुकान से घर वापस नहीं लौटे योगेंद्र कुमार गर्ग। घर वालों की खोजबीन के बाद मथुरा के शिवताल कुंज पर मिली लापता व्यापारी की स्कूटी परिजन जता रहे अनहोनी की आशंका। लापता व्यापारी योगेंद्र कुमार गर्ग बैंक कॉलोनी निवासी बताए जा रहे हैं, जो कि एक मथुरा के प्रमुख अड़तियों में से एक है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी को खंगालने शुरू कर दिया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर व्यापारी की तलाश में जुटी। पूरे मामले पर व्यापारी के भाई ने जानकारी देते हुए बताया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष अग्रवाल। आशीष जी, क्या क्या हुआ है भाई? क्या कह, मैं भाई का 8 बजे के बाद से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जब उन्होंने फ़ोन को सर्विलांस पे लगवाया है तो उसकी लोकेशन गुरु नानक नगर की सुखताल, यहाँ पे तालाब है, उस पर पता चला है। और वहाँ उनकी स्कूटी तो मिल गई है और लास्ट लोकेशन भी यहीं की आ रही है, लेकिन उसके बाद भी उनका किसी प्रकार का कोई लोकेशन, कोई सुराग, कोई फ़ोन, कुछ नहीं। फ़ोन स्विच ऑफ है। कब से? 8 बजे से गायब है कल से। ये रात के, आप तो देखो, हम लोग तो 10:30 बजे बाद एक्टिव हुए हैं। अच्छा। मेरे 8 बजे के बाद से मिसा। पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस भी खोजबीन में लग रही है? हाँ, बिल्कुल लग रही है हमारे साथ। क्या क्या कुछ आशंकाएं आपको? अब आशंका नहीं कह सकते। और क्या, दो आदमियों पर शक है। एक इनके मित्र कल्लू जी हैं और एक इनके मित्र दीपक जी हैं, वो फिलहाल कोतवाली में हैं। कहीं कोई किसी से पुराना विवाद या लेन? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मंडी से।